हालेलुया 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 बारी बाहुल बारिकल तम जय हम धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस आमीन 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 बारी बाहुल बारिकल तम जय स्तुति स्तुति प्रशंसा तेरे नाम की महिमा हो धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस प्रभु जी हम धन्यवाद तेरे पिता इन सारे बातों के लिए रात सुनाए दिए एक नया दिन दिखाया जीवित रखा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं उन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं जिस घर में प्रार्थना चल रही है उस घर को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता इन सबके जीवन तू अद्भुत कार्य चमत्कार कर खुदावन आज के दिन के जीवन में आशीष का कांट होने पाए पिता ये जहां भी जाते हैं पिता पहुंच रहे छू पा रहे कोई बीमारी कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए ये जहां भी काम करने जाते हैं पिता पंखों की आड़ में छू पा रहे पिता प्रभु जी कोई महामारी इनको छू भी ना पाए अपने स्वरूप द्वारा इनकी रक्षा प्रदान कर पिता तू ऐसा करता है हम धन्यवाद देते हैं ये जहाँ भी काम करने जा रहे हैं पिता जो कार्य करने जा रहे हैं उनको सफलता दे पिता परमेश्वर बहुत से भाई आज की सुबह नौकरी खोने जाएंगे पिता जहाँ भी जाते हैं उनको तो नौकरी में तो ब्लेसिंग देने जा रहा है हम धन्यवाद देते हैं थैंक यू जीसस थैंक यू आमेला मेला 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 बारी बाउल्ला बारी खरा बारी तम जयम धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता जो आज के सुबह पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं पिता दवाई खा के थक चुके हैं डॉक्टर को दिखा के थक चुके हो थके माए तेरे पास आए हे पियो जिस परमेश्वर ने कुमार के दिलों चलाया मुर्दों को जिलाया वही परमेश्वर आपकी मायों को चंगाई देने जा रहा है वो आपके बीच में है आपके बीच में है आपके पास से विश्वास के साथ उसको रिसीव कीजिए अपने जीवन का उद्धारकर्ता से उकार कीजिए पापों की क्षमा उससे मांगे उसके वचनों पर चलिए उसे ज्ञाओं को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मर में जिलाया है तो आप निश्चित ही आशीष चंगाई छुटकारा को प्राप्त करेंगे इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं इनको तो बीमारी छुड़का देने जा रहा है इस समय इनके जीवन मिरेकल होने पाए जो बीमारी इनके शरीर से यीशु मसीह के नाम है उसको वाग देते हैं इनके शरीर से इस समय निकल के छोड़ के चली जाए ग्लोरी 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 मिरेकल मिरेकल यीशु नाम अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में होने पाए इस समय इनके जीवन में चमत्कार होने पाए तेरे नाम से इसी समय प्रार्थना को सुनते हैं तेरे नाम से बीमारियों को हम छिड़काते हैं भगाते हैं और इनको हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता उस घर घर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमार पड़े हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा की समर्थ वहाँ कार्यशील हो जाए पवित्र आत्मा की समर्थ उधर इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल एक नया शक्ति एक नया सामर्थ आ जाए पिता परमेश्वर इन सबको हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं इन सबको चंगाई दिया धन्यवाद जो चिंताओं में फंसे हुए पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और चिंता करने वाले बातें इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं मैं पियो हम चिंता करने के बजाय प्रार्थना करने लग जाएं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा हमारे जीवन को परिवर्तन कर देगा केवल हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाएं हम उस पर भरोसा करेंगे अपने आंखों से हम चमत्कार को देखेंगे धन्यवाद के सात्रे चरणों माते पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पियो उन पक्षियों को देखे ना तो खत्म बढ़ते तो ना ही इकट्ठे करते फिर भी स्वर्ग पिता उनको खिलाता है जिलाता है सालों सालों तक जीवित रखता है जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे पियो वो हमारी चिंता करता है उन पक्षियों से कहीं बहुमूल्य हम हैं उसने हमने अपने स्वरूप में बनाया है वो हमारी चिंता करता है आज ही इस समय अपनी चिंता उस पर डालिए उससे प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ जो कुछ प्रार्थना विश्वास से मांगे समझ लीजिए कि आपको मिल गया वो हमारे लिए हो चुका है और परमेश्वर वही हमारे जीवन करेगा जो हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा मेरे पियो हम हर एक बात तुम्हें चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले हम हर एक बात तुम्हें हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाएं और प्रभु की इच्छा को हम जीवन में मांगने वाले हो जाएं इन सब के चिंताओं को दूर किया धन्यवाद जो समस्याएं के जुड़े कार्य कर रहे पिता वो हर एक समस्याओं को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं उनके बंद रास्ते को हम तेरे नाम से खोलते हैं तूने ऐसा ही किया धन्यवाद जो विदेश में रह कार्य करते पिता हम प्रार्थना करते हैं और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए इस समय जो समस्याएं इनके जुड़े कार्य कर रही है हर एक समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए हर एक बीमारी इनके जीवन से दूर हो जाए जिनके पास जॉब नहीं तो जॉब से आशीष करने जा रहा है धन्यवाद इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए धन्यवाद यीशु हबारी बाहुल राबा रिखराबा रक्तम जय हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता इस समय
दारू की आत्माओं में, नशे की आत्मा, बुरी आत्माओं में फंसी हुई है, जिस कारणवश घर में अशांति की आत्माएं कार्य कर रही है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी शांति उनके घरों में, पिता परमेश्वर अपनी शांति पिता उस घर में आने पाए। पिता हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, की आत्मा ईश्वर के नाम में प्रार्थना को सुनते ही चलते हैं, इनके जीवन से इनके घर से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है और उससे घर बचन के शांति बचन का प्रकाश वो जियाला बचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए। इन सबको हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बंधन है बंधे हुए हैं पिता। हाँ प्रभु, जो तंत्र मंत्र के बंधन से बंधे, टोंधे के अपनाओं से बंधन बंधे हैं और किसी न किसी बंधन से बंधे हुए हैं पिता, उस बंधन को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं, इनको छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। ग्लोरी 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 ग्लोरी, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। रक्तम जयम। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, और शादी कई साल बीत चुके हैं, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई है, वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं, और तुझे कहता है थके मान दे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर जगह थक चुके हैं और निराशा के साथ तेरे पास आए तो थे, लेकिन आन की भरपूरी को लेकर जाने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं। मैं पियो, हमारा विश्वास मसीह यीशु मजबूत होना चाहिए। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रार्थना उत्तर मिलने के बाद हम उस पर और भी प्रार्थना करने वाले हो जाए। विश्वास के साथ हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, वो आपका इसे भरपूर करेगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल गुजर गया, निराश ना होइए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने चाह रहा है। इसी समय इनके जीवन पिता मिरेकल होने पाए। इन सबको हम तेरे नाम से पिता बच्चे की आशीष की घोषणा करते तेरे नाम से। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बढ़ाकर बीज को बोए हैं पिता, प्रभु जी उन सबको तू आशीष प्रदान कर खुदावन। और जितना भी भेंट भेजते हैं, दान भेजते हैं, भेजते पिता, उन सबको आशीष प्रदान कर, उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। उन सब के बंद रास्ते को तू खोलने जा रहा है, इनके बिजनेस पे, नौकरी पे तू आशीष करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन सब के बंद रास्ते को खोला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दिन भर कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं इनको तू आशीष प्रदान कर पिता, हर एक कार्य करने में इनकी सहायता प्रदान कर। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता। भारत देश को समय हमारी समाज आजादी की छुटकारे की घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं तो जल्द से जल्द पिता इसमें हमारी समय आजादी देने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईशुक ना पिताजी, आशीष मांगते सुंदर आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो, अगर हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम उस पर विश्वास करने वाले होए, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं ना तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है, और जो प्रसन्न होता है आप उससे कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं। तो हम विश्वास के साथ मांगे, वो देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वही चीज़ देगा जो आपके जीवन में आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। तो हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि हम प्रभु की इच्छा को हम अपने जीवन में मांगे। अपनी इच्छा को किनारा कर दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर अपनी इच्छा पे आप चलेंगे और जैसे तैसे तोड़ मरोड़ कर आप उसको प्राप्त भी कर लेते हैं तो वासी से आपके पास अधिक दिन तक टिकी ना रह पाएगी। अगर आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में पूरी हो, ताकि मेरा जीवन, मेरा घराना, मेरा परिवार आशीषों से भरपूर हो जाए। और कुछ लोग लेके बैठे थे, नहीं मुझको वही चाहिए, तो मुझको वही चाहिए। कितने भाई बहन सालों, 5 साल 6 साल सरकारी जॉब के लिए रुके रहते हैं और 5-6 साल में दूसरा काम करते और साथ में वो भी काम करते तो प्रभु उनको उसे ब्लेसिंग करता, उनको और भी बुद्धि ज्ञान से तृप्त करता। लेकिन सालों साल बीत जाते हैं सरकारी जॉब का इंतजार करते करते उनका समय चला जाता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरी जब इच्छा हो मेरे जीवन में वो आशीषों को उड़ेल, तब तक आप अपना काम करते रहिए। ये नहीं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं सरकारी जॉब के लिए पीछे भाग रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल गुजर गए। 10 साल में अगर आप प्राइवेट जॉब या कुछ अपना बिजनेस चालू करते तो प्रभु आपको उसमें ब्लेसिंग करता। उस कार्य को करते हुए आप उस कार्य के लिए तैयारी करें। प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो, तो हमारा जीवन आशीष से भरपूर हो जाएगा। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले, प्रभु
हमें सही समय आने पे वह आशीषें हमारे जीवन में देगा। जब उस चीज की हमारे जीवन में आवश्यकता रहेगी, वो हमारे जीवन में आशीषों को उड़ लेगा। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह भेजिए ताकि वो लोग मसीह को जान सके। जितने भाई बहन अपनी शक्ति अपनी इच्छा से अपने हाथ को बढ़ाकर बीज को बोए हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे, वचन को सार 100 गुना वापस करे। अगर आप नाराज भेजना चाहते हैं वीडियो का लास्ट में डिटेल मिल जाएगा, शक्ति अपनी इच्छा को सर आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।